नाजरीन, नाजरीन मैं हूं आपका मेज़बान उमर मुमताज़ संधू। नाजरीन आज हम आपको एक ऐसे अदारे के पास लेके आए जो 1968 से कायम है और समुद्री के बच्चों को तालीम मुहैया करने में सरगर्म है। नाजरीन हम आपको इसकी थोड़ी डिटेल बताएंगे कि इस कॉलेज में BS कौन सा करवाया जा रहा है, और नाजरीन इसके बाद हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब उनका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जो आपको इस कॉलेज की मज़ीद डिटेल और सिक्योरिटी और डिसिप्लिन के बारे में बताएंगे। नाजरीन अगर आप इस तरह की मज़ीद मालूमात वाली वीडियोस और किसी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले आता है हमारे पास BS कंप्यूटर साइंस, जिनके HOD साहब का नाम सर सुहेब साहब। उसके बाद BS बॉटनी, जिनके HOD साहब का नाम अब्दुल रजाक साहब। उसके बाद BS इंग्लिश, जिनके HOD साहब का नाम जनाब उमर हयात फारूक। उसके बाद BS मैथ, जिनके HOD साहब का नाम जनाब नज़ीर मांगट। उसके बाद BS केमिस्ट्री, जिनके HOD साहब का नाम जनाब मोहम्मद शफीक साहब। उसके बाद BS पॉलिटिकल साइंस, जिनके HOD साहब का नाम जनाब अंजम जेम्स पाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज हम आपसे जाने हैं कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में थोड़े से डिटेल्स, तो सर सबसे पहले आप अपना तारुफ करवा दें और इस कॉलेज की थोड़ी सी हिस्ट्री बयान कर दें। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज अमजद हुसैन है और मैं बतौर वाइस प्रिंसिपल इस कॉलेज में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। कॉलेज इस इलाके का वो वाहिद इदारा है जिसमें बच्चियाँ और बच्चे बहुत कामयाबी के साथ अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये कॉलेज, आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं बताता जाऊँ कि 1968 में ये कॉलेज कायम हुआ था, जिसमें कलीदी किरदार अदा किया था उस वक्त के MNA चौधरी सुल्तान साहब ने, और भुट्टो साहब की ये हुकूमत थी। और उसमें बाद में फिर इस कॉलेज को डिग्री का दर्जा 1974 में दिया गया, कि शुरू में तो इंटर क्लासेस थी और वो भी सिर्फ साइंस थी, फिर बाद में आर्ट्स का इजाफ़ा किया गया, और साथ में 1974 में जब ये डिग्री का भी इजाफ़ा कर दिया गया तो ये कॉलेज आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरक्की की मनाजिल तय करता रहा। और फिर आखिरकार ये 2009 से इसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस जो थी ना MA लेवल की, वो तालीम शुरू हो गई। और बाद में इसमें कई सब्जेक्ट्स जो है ना, वो इंग्लिश था, उसमें पॉलिटिकल साइंस था, इस्लामियात था, इनमें MA होता रहा है। लेकिन फिर बहुत जल्द ये साल 2016 की बात है कि तब से इस कॉलेज में BS का आगाज़ कर दिया गया। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि 2016 में इसमें पहली जो क्लास थी BS की वो बैठी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस कॉलेज में 6 डिपार्टमेंट्स में BS हो रहा है, जिसमें केमिस्ट्री है, जिसमें बॉटनी है, जिसमें मैथ है, जिसमें उर्दू है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें इंग्लिश है। इन डिपार्टमेंट्स में बड़ा कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह BS चल रहा है और बहुत कामयाबी के साथ ये इदारा अपने इलाके की खिदमत सर अंजाम दे रहा है। जी सर, तो एक सवाल है क्या कि BA करके बच्चे, छोटा सा 2 ईयर का होता था, वो BA करके जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अब 4 साल का BS को क्यों प्रीफर किया जा रहा है? इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि एक तो ये बात बहुत बड़ा फैक्टर है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि दुनिया में ना कुछ जगहों पे 16 साल तालीम
का रवाज है और कई जगह पे 14 साल तालीम का, तो लिहाजा यहाँ पे 16 साल तालीम को प्रेफर किया जा रहा है कि बैचलर स्टडीज़ ही है ये, लेकिन चूंकि इसके अंदर 16 साल तालीम पूरी होती है तो इसको एमए के बराबर कंसीडर किया जाता है। बीएस भी दरअसल बैचलर ही है, लेकिन ये 16 साल तालीम चूंकि मुकम्मल हो जाती है लिहाजा इसको एमए एमएससी के बराबर का दर्जा दिया जाता है। दूसरी इसकी वजह यह है कि स्पेशलाइजेशन हो जाती है कि जिस बच्चे को भी जिस भी डिपार्टमेंट में उसने बीएस करना है, जिस सब्जेक्ट में भी बीएस करना है, उसमें वो बच्चा एमए एमएससी लेवल की जो उसकी तालीम होती है वो पूरी होती है। तो परफेक्ट लोग और अपने अपने सब्जेक्ट्स में माहिरीन आपको बीएस ही प्रोवाइड करता है। इसलिए चूंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी ये इख्तियार की है, एचईसी का ये नोटिफिकेशन है, एचईसी के अहकाम के मुताबिक हमने भी इस कॉलेज में उसी तरह बीए की बजाय बीएस की तालीम को तरजीह दी है। जी सर, तो पहले यहाँ सुनने में कि डिसिप्लिन थोड़ा ख़राब था, तो अब डिसिप्लिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, एक मिसाल है डिग्री कॉलेज की डिसिप्लिन के तौर पे। तो आप इसके बारे में थोड़ा बता दें कि डिसिप्लिन कैसे कायम हुआ, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अप्लाई की गई इसमें। किसी ज़माने में बेशक ऐसा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से 2007 से इधर हूँ तो हमारे जो मेरे होते हुए जो पहले प्रिंसिपल्स थे उन्होंने भी बहुत कावश की है, डॉक्टर खालिद ज़फरुल्लाह दाऊदी साहब, उनकी बड़ी खिदमात हैं, प्रोफेसर सरफराज साहब हैं, राना मुमताज़ साहब हैं, और जो हमारे मौजूदा प्रिंसिपल साहब हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ ये कोई 2012 के शुरू से अपनी बहुत तनदेही के साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और इन्होंने डॉक्टर इम्तियाज़ वडाई साहब ने जो खसूसी तौर पर इकदाम किए हैं कि वो सिक्योरिटी के लिए बहुत खूबसूरत इंतज़ाम किया है कि कॉलेज में, पूरे कॉलेज में इंट्री सिर्फ एक रास्ते से की है, यह डिसिप्लिन की एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी वजह यह है कि गार्ड्स का जो इंतज़ाम है वो किया गया है कि वो जगह जगह पे, वो जहाँ जहाँ पे हर ब्लॉक के सामने ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पर गार्ड्स को तैनात किया जाता है। तीसरी जो डिसिप्लिन की बहुत खूबसूरत वजह है वो ये है कि जो हमारा स्टूडेंट्स अफेयर्स विंग है जिसकी सरबराही प्रोफेसर अहमद रज़ा बलोच साहब कर रहे हैं, उनकी सरबराही में टीम काम करती है कि जो बच्चा भी कोई ऐसी ख़िलाफ़ कानून काम करता है, डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करता है, तो उसको कॉलेज से एक्सपेल भी किया जाता है, उसको पनिशमेंट भी की जाती है, उसको जुर्माना भी किया जाता है और बाज़ केसेस में हवाला पुलिस भी किया जाता है। लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पर बच्चियाँ और बच्चे चूँकि मिक्स तालीम है, को एजुकेशन है, इस एतबार से हमें और भी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और हमारी मौजूदा जो इंतज़ामिया है जिसमें डॉक्टर इम्तियाज़ वडाई साहब हैं और पूरा स्टाफ है और पूरे मुलाज़मीन हैं, उनकी सब की मिलजुल के कावशों से ये अमन कॉलेज में और डिसिप्लिन बरकरार है। जी सर, तो या पहले बीएस 4-5 डिपार्टमेंट में करवाया जा रहा है, तो अब फर्दर क्या सोचा है कि कौन कौन से बीएस करवाने हैं और यहाँ पे इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा? फ़िलहाल तो इसका कोई करीब करीब चांस नहीं लगता कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। वजह उसकी यह है कि समुंदरी लेवल पे सिर्फ एक ही पब्लिक सेक्टर का कॉलेज है, अगर इसको भी यूनिवर्सिटी बना दिया जाए तो फिर बच्चे कॉलेज लेवल की तालीम कहाँ से हासिल करेंगे। लिहाजा यूनिवर्सिटी की तो हमारी डिमांड है अहले इलाका की कि समुंदरी में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट एक अलहदा से इस्टेब्लिश करे और इस कॉलेज को कॉलेज के दर्जे पर ही इसके अंदर जो कमियाँ हैं वो पूरी की जानी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होनी है उसी के मुताबिक काम होना है। दूसरा ये है कि बीएस आइंदा भी बहुत से डिपार्टमेंट्स में लोगों की डिमांड है, जिनमें अपना फिज़िक्स की बहुत बड़ी डिमांड है, जिसमें जुआलॉजी की बहुत बड़ी डिमांड है, जिसमें शोबा इस्लामियात की बहुत बड़ी डिमांड है, ये बहुत से लोगों की डिमांड्स हैं, शोबा इकोनॉमिक्स की डिमांड्स हैं, आईटी की डिमांड्स हैं कि इनमें भी बीएस करवाया जाए। लेकिन फिल वक्त हमारे लिए ये मुश्किलात ये हैं कि बिल्डिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कमरों की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, इंटर के लिए भी कमरे पूरे नहीं आ रहे। ब्लॉक हाफिज़ मुमताज़ साहब की कावशों से एक मंजूर तो हुआ है लेकिन अभी उस पर काम शुरू नहीं हो पाया। अगर वो काम हो जाए और वो ब्लॉक बन जाए तो वो 16 कमरों पे मुश्तमिल होना है,
तो फिर यकीनन कोई दो तीन डिपार्टमेंट्स और भी शुरू किए जा सकते हैं। फिर दूसरा इसका बड़ा फैक्टर ये है कि स्टाफ की कमी है। जिस भी डिपार्टमेंट में आपने बीए शुरू करना होता है तो कम से कम वहाँ पर 6 टीचर या 5 टीचर प्रोफेसर जो है ना वो होने रेगुलर ज़रूरी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जाहिर है CTIs को रखना और उसके लिए भी गवर्नमेंट्स को बजट्स के प्रॉब्लम आते हैं। तो लिहाजा ये दो बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर बिल्डिंग की पूरी हो जाए और स्टाफ पूरा हो जाए तो यकीनन अहले इलाका की बहुत बड़ी डिमांड है और हमारी ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी कि इस इदारे में और भी BS कई डिपार्टमेंट्स में कराया जा सके। तो इंशाल्लाह जो ही ये कमियां पूरी होती हैं वैसे ही हम अपने नए डिपार्टमेंट्स जिनमें BS फिजिक्स है या BS IT है इस तरह के वो और भी लॉन्च इंशाल्लाह साथ साथ करते जाएंगे। जी नाज़रीन, ये थे हमारे कॉलेज डिग्री कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल साहब। मैं आपको मिलूँगा किसी और टॉपिक में किसी और मालूमात के साथ। तब तक दीजिए अपने मेज़बान उमर मुमताज़ को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।